नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे। देखते हैं इस पाम में क्या क्या खासियतें हैं। पहली नज़र में ये पाम चौड़ा है और बहुत ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए नहीं है, स्क्वेरिस नहीं है। इसका मतलब ये मेहनती होंगे पर उस लेवल के मेहनती नहीं। अब इनकी उंगलियों का झुकाव देखते हैं, शनि उंगली की और गुरु की उंगली का, तो इसका मतलब ये काफ़ी धार्मिक होंगे। इनके पाम पर सबसे बड़ी मिस्टेक है, यानी माइनस पॉइंट है, छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही सूर्य की उंगली के, तो ये कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन सही संभाल कर रखना, चीज़ों को याद रखना, इस तरह के माइनस पॉइंट ऐसे व्यक्ति में पाए जाते हैं। उंगलियों के पोर, दो तीन उंगलियों के बहुत बड़े बड़े पोर है, तो ये एनालिटिक भी काफ़ी होंगे। और इनके पाम पर खड़ी रेखाएं उंगलियों पर काफ़ी दिख रही है। जब इस तरह की खड़ी रेखा होती है तो ऐसे लोगों के मित्र काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब चलते हैं इनके ग्रहों की ओर। ग्रह में अगर बुध पर्वत देखे तो इस पार्ट में खड्डा बना हुआ है, दो रेखाएं खड़ी चल रही है पर इस पार्ट में खड्डा है, तो बुध के जो पॉजिटिव पॉइंट मिलने चाहिए, व्यापार, विज्ञान, उस क्षेत्र में कुछ न कुछ व्यक्ति को हानि होती है। इस पर्वत के उस लेवल के फल नहीं मिलते। अब चलते इनके सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर एक मुझे स्क्वायर बनता दिख रहा है, पर अगर ये धुंधला है पर स्क्वायर दिख रहा है, अगर ये स्क्वायर कंप्लीट है तो ऐसे व्यक्तियों का कामकाज जो होता है वो मल्टी सिटी होता है, यानी फैला हुआ काम रहता है, एक सिटी से ज़्यादा सिटियों में इनके कारोबार रहते हैं। और ये पर्वत भी उभरा हुआ नहीं है, और शनि पर्वत जैसा चाहिए वैसा है, यानी व्यक्ति में आलस कम रहता है, व्यक्ति थोड़ा निराशा का भाव भी ऐसे व्यक्तियों में कम रहता है। और उस पर एक खड़ी रेखा भी जा रही है, साइड से भी खड़ी रेखाएं जा रही है और एंटेना भी है, तो ये व्यक्ति को धन प्राप्ति में सहायक होती है, रिसीविंग मनी रिसीविंग का काम करती है ये रेखाएं, यानी ऐसे व्यक्तियों के पास अधिक मात्रा में धन आता है। प्लस बुढ़ापे में खड़ी रेखा है, फेट लाइन है, यानी इनका बुढ़ापा भी अच्छी रीत से गुजरेगा। जब किसी व्यक्ति के पाम पर इस पीरियड में रेखाएं होती है तो उसका बुढ़ापा अच्छी रीत से गुजरता है। अब चलते इनके गुरु पर्वत की ओर। गुरु पर्वत भी दबा हुआ, यहाँ पर खड्डा है, तो जब किसी पर्वत पर खड्डा बनता है तो उसके गुण काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे जुपिटर माउंट दबा है तो परिवार का सुख, कोई चीज़ों को विस्तार करना हो तो उसमें कमी आती है, पैसे के मामले में भी ये हानिकारक सिद्ध होता है। पर इस पर एक मुझे त्रिकोण बनते दिख रहा है, अगर ये त्रिकोण कंप्लीट है तो इनका हो सकता है राजनीतिक में भी रुझान रहे। और एक क्रॉस क्लियर कट दिख रहा है, यानी इनका सांसारिक पारिवारिक जो सुख होगा, पत्नी की तरफ से मिलने वाला सहयोग होगा, वो अच्छा खासा ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। और एक खड़ी रेखा अच्छी खासी चल रही है, तो ये जीवन में इनको निरंतर प्रगति देगी। केवल यहाँ पर एक रेखा इनको काट रही है, तो थोड़ा सा एक पीरियड आएगा जो इनके जीवन में इनको बैक स्टेप लेना पड़ेगा, पर उसके सिवा इस पाम पर ये खड़ी रेखा काफ़ी उपयुक्त है।
और राजनीति के रुझान की एक रेखा भी और दिख रही है, तो व्यक्ति का हो सकता है इनका राजनीति की ओर रुझान अच्छा खासा हो। अंदरूनी मंगल ना उभरा है ना दबा हुआ है, यानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित भी नहीं रहता और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी भी, यानी फिजिकली स्ट्रांग रहता है, पर मध्यम है तो ये मध्यम फल इनको देगा। और बहुत सारी आड़ी रेखाएं नहीं है, दो तीन है, तो चिंता जीवन में रहती है पर वो लेवल की इनके जीवन में चिंता नहीं रहेगी। अब चलते इनके बाहरी मंगल पर। बाहरी मंगल भी मध्यम है, न ज़्यादा उभरा है न ज़्यादा दबा है, यानी ये इनके साथियों में या इनके परिवार में या इनके कलीग्स में ये बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले नहीं दिखते होंगे, पर उतने कमज़ोर भी नहीं दिखते होंगे। और एक छोटी सी रेखा बाहरी मंगल पर है, तो हो सकता है इनको कभी ना कभी पुलिस स्टेशन का या लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ा होगा। अब चलते इनके चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत इलाका तो अच्छा खासा लिया हुआ है, तो जब इस तरह का बड़ा चंद्र पर्वत हो तो व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होती है और अच्छा इमेजिनेशन पावर ऐसा व्यक्ति में, इस तरह के पाम के व्यक्ति में होता है। पर एक माइनस पॉइंट इस पाम पर है, ये मोल। जब चंद्र पर्वत पर इस तरह का मोल पाया जाता है तो सबसे, अगर ये बचपन से हो तो शादी में ऐसे लोगों को काफ़ी अड़चने आती है। दूसरा एक माइनस पॉइंट होता है इस तरह के मोल वालों का कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, इनको कभी भी खांसी बुखार ये इजीली हो जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट मोल के कारण इनके जीवन में होता है और इनको हमेशा पानी से दूर रहना चाहिए। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा और उस पर शुक्र रेखाएं भी है, तो ये व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देती है, अच्छा घर अच्छी गाड़ी में घूमना, लग्जरी जितनी भी है वो सब ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होती है। पर इसी पर्वत पर आड़ी रेखाएं भी है जो इनको, इनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलता होगा चाहिए वैसा, बहुत सारी तो है नहीं, पर फिर भी इनके कार्य को जो ये सोचते होंगे, जिस लेवल में सोचते होंगे उस तरह का रिकॉग्निशन नहीं मिलता होगा और कुछ ना कुछ विघ्न इनके जीवन में आता ही होगा कार्य के अंदर। ये एक माइनस पॉइंट है। बाकी शुक्र इनका काफ़ी सशक्त है तो पैसे की इनकम इनके पास अच्छी खासी होगी। और एक रेखा इनके हाथ पर चल रही है जो जीवन रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। जब इस तरह की रेखा होती है तो व्यक्ति में देखा गया है फॉरेन में आना जाना अच्छा खासा होता है, बहुत बार ऐसे लोगों का लॉन्ग स्टे भी फॉरेन में हो जाता है। ये अवश्य अपना फल देती है, अब कौन से उम्र में देगी वो थोड़ी सी लेटर एज में मिल सकता है, पर इस तरह की रेखा वाला व्यक्ति फॉरेन में आना जाना उसका अच्छा खासा लगा रहता है और लॉन्ग स्टे का फायदा भी ऐसे लोगों को मिलता ही है। अब चलते इनकी रेखाओं की ओर। इनकी रेखा शनि पर्वत से ही हार्ट लाइन शुरू हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को पैसों का मोह बहुत ज़्यादा होता है, इनके मन में हमेशा पैसा घूमता है और ये कभी अपने प्यार का प्रदर्शन नहीं कर पाते। जब सीधी हार्ट रेखा होती है तो इनके घर वालों को, इनके बच्चों को हमेशा कंप्लेन रहती है कि ये प्यार जताना इनको आता नहीं। इनके मन में अच्छा खासा प्यार होता है पर इस रेखा के कारण इनको प्रदर्शन करने नहीं आता, ये एक माइनस पॉइंट होता है। बाकी इनकी हृदय रेखा काफ़ी साफ सुथरी और सीधी चल रही है, तो ये बहुत अच्छी साइन है। अब चलते हैं इनके मनी ट्रायंगल की ओर।
इनका मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है और एक जगह तो बहुत बड़ा बनते बनते थोड़ा सा खुला रह गया है। अगर ये पैक हो जाता है तो इनके पास अच्छा खासा धन जमा हो जाएगा, पर अगर इस पार्ट को नहीं भी गिने और इस पार्ट को भी ले लेवे तो ये कंप्लीट मनी ट्रायंगल है। इनके पास आवक के स्रोत अच्छे खासे इस तरह के मनी ट्रायंगल वाले के व्यक्ति के पास होते हैं। प्लस इनकी डबल डबल फेट लाइन है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा समृद्ध होता ही है। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन। इनकी माइंड लाइन देखने लायक है, इतनी अच्छी माइंड लाइन बहुत रेयर में मिलती है किसी के पाम पर, जो एक पार्ट से शुरू होकर हथेली में घूम रही है पीछे की तरफ भी। ऐसे लोग बहुत बुद्धिशाली होते हैं और अपनी बुद्धि से अच्छा खासा धन अर्जित करते हैं ये, और दो मिनट का समय भी ये लोग वेस्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ ज्ञान लेते ही है। इनको पढ़ने का भी अच्छा खासा शौक रहता है ऐसे लोगों को। इवन अगर कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पे कुछ नमकीन भी इन्होंने अगर न्यूज़पेपर में भी आ गया तो न्यूज़पेपर में उस नमकीन को खाकर भी ये न्यूज़पेपर को भी पढ़ लेंगे, उस तेल लगे हुए पेपर को भी पढ़ लेंगे, इतनी इनमें ज्ञान लेने की पिपाशा रहती है। और इतनी बड़ी माइंड लाइन व्यक्ति को अच्छा खासा धन कमाने में सहयोग देती है। अब इनके जीवन रेखा के दो तीन रूप है, वो देखते क्या क्या रूप है। एक जीवन रेखा यहाँ तक चली और उसके बाद एक यहाँ आई। अब इस उम्र में लगभग उम्र 25-26 के आसपास इनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आया और उसके बाद थोड़ा सा संघर्षपूर्ण जीवन इनका रहा। और एक बदलाव उम्र लगभग 40-42 के आसपास आया या 45 के आसपास, वो इनको काफ़ी प्रोग्रेस दिलाया क्योंकि सीधी ऊपर से लाइन आ रही है और सीधी चल रही है। इस पीरियड में लगभग 45 के आसपास एक दो साल इधर उधर इनके जीवन में एक मोटा बदलाव आया होगा और वो पॉजिटिव होगा। और इनकी जीवन रेखा आगे बढ़ी और बिना कुछ दोष के आगे बढ़ रही है। प्लस इनकी एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निकल रही है और एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निकल रही है। ये 55 के आसपास से या 53 से गिनो ये प्रोग्रेस लाइन को, और ये लगभग 60 साल के आसपास कुछ ना कुछ इनके जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आएगी। ये प्रोग्रेस लाइन ये दिखा रही है। और अगर एक रूप से देखें तो डबल फेट लाइन भी इनके बन रही है। तो जब व्यक्ति के डबल फेट लाइन होती है तो व्यक्ति ऐसे ही अच्छा खासा पैसा कमा लेता है अपने जीवन में। अब चलते हैं इनकी फेट लाइन को देखते हैं, क्या इस फेट लाइन में खासियत है। एक अच्छी खासी फेट लाइन यहाँ से निकली और यहाँ आकर अटक गई, और ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये यहाँ चली और अटक गई, और उसको काटने वाली एक राहु रेखा भी है। तो लगभग 50 के आसपास इनके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई भी हुई होगी, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्रेस लाइन को राहु रेखा काटती है तो व्यक्ति को लिटिगेशन का सामना या कोर्ट कचहरी का सामना या पुलिस स्टेशन का सामना करना ही पड़ता है। अब एक हृदय रेखा से लाइन निकल रही है और यहाँ से चल रही है, यानी इनके परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कार्य हुआ है कि इनका यहाँ पर फेट लाइन ही कंप्लीट अटक गई है। और इस पीरियड में इनको काफ़ी बड़ा आर्थिक झटका लगा होगा, और ये उम्र होगी, दोनों फेट लाइन की अलग अलग है,
एक उम्र है लगभग 50 के आसपास और एक उम्र है 48 के आसपास। इस उम्र में इनको कोई ना कोई आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है और उसके बाद इनका एक नया व्यवसाय चालू हो रहा है और वो आगे जा रहा है। वो इनको अच्छा खासा पैसा कमा के देगा क्योंकि इनके यहाँ अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन भी है। तो मेरे हिसाब से और एक राहु रेखा ने उम्र लगभग 29-30 के आसपास इनको काटा है, तो इस समय भी इनको कुछ ना कुछ आर्थिक कष्ट हुआ होगा, पर ये आर्थिक कष्ट असहनीय होगा इनके लिए, बहुत हैवी आर्थिक कष्ट इन्होंने इस उम्र में या तो झेला होगा या झेलना बाकी है। तो ये अगर इस उम्र में आने के पड़ाव में है तो सचेत हो जाए, क्योंकि कोई ना कोई पारिवारिक इंसान इनको नुकसान दे सकता है। बाकी उसके बाद इनकी कंटिन्यू फेट लाइन चल रही है और यही फेट लाइन लगभग 52 से स्ट्रॉन्ग बन रही है। इस पीरियड में इनको तकलीफ उठानी ही है। ये 2 से 3 साल का पीरियड इनको कष्टमय जीवन में, अति कष्टमय नहीं, काफ़ी कष्टमय गुजरेगा, पर उसके बाद वापस इनका जीवन पटरी पर चढ़ जाएगा और जो खोया होगा वो इनको वापस मिलेगा। उसका कारण है क्योंकि इसी पीरियड में 2 प्रोग्रेस लाइनें ऊपर जा रही है, तो इनके जो खोए होंगे वो सब इनको वापस मिलने वाला है। जो गया वो मे भी वापस नहीं मिले, पर ये वापस उस चीज़ को अर्जित कर लेंगे। जो खोया होगा, जो माइनस में गया होगा, वो वापस प्लस में कर लेंगे। ये इनके जीवन रेखा और फेट लाइन से दिख रहा है। मेरे हिसाब से इनके सभी प्रश्नों के जवाब मैंने दे दिए, और कोई प्रश्न अधूरे रह गए हो तो ये मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।